बांका जिला के अमरपुर थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली के द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत क्षेत्र के बिरमा घाट से बालू लदी दो ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं पुलिस वाहन को देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार होने में कामयाब हो गया। थाना अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि बिरमा गांव स्थित अवैध बालू घाट से माफियाओं द्वारा बालू उठाव की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। गुप्त सूचना मिलते ही सहायक वन निरीक्षक खुर्शीद आलम व अन्य पुलिस बलों के साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। बिरमा गांव के समीप दो बालू लदी ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वाहन चालक अपनी वाहन छोड़कर फरार हो गए। मौके पर दोनों ट्रैक्टर को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। जब्त ट्रैक्टर के संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए कार्रवाई की जा रही है। बताते चले, बालू माफिया क्षेत्र के मालदेव चक किशनपुर चोकर आदि घाट से अनवरत बालू उठाव की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन घाटों पर छापेमारी करना भी पुलिस मुनासिब नहीं समझती। उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश मिलने पर ही पुलिस के द्वारा छापेमारी किया जाता है, लेकिन छापेमारी की पूर्व ही घाटों से सभी ट्रैक्टरों को हटा दिया जाता है, जिस कारण छापेमारी करने गई पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। ग्रामीण बताते हैं कि शाम ढलते ही इन घाटों पर माफियाओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। देर रात होते ही बालू उठाव होने लगता है और माफिया मालदेव चक, पूरन चक, सलेमपुर, गालिमपुर, अमरपुर, हटिया, कोल बुजुर्ग, महादेवपुर, बरमसिया, कामदेवपुर होते हुए संग्रामपुर, चिड़ैया, अकबर नगर आदि जगहों पर जाकर ऊंचे दामों में बिक्री कर सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। एक तरफ बालू उठाव से जहां नदी का अस्तित्व खतरे में है, वहीं दूसरी तरफ बालू लदी वाहन की शोर से ग्रामीण भी खासे परेशान हैं। उन माफियाओं के सागरित थाने के समीप चौक चौराहों पर पूरी तरह मुस्तैद रहकर पुलिस प्रशासन की हर गतिविधि की खबर अपने लोगों को देकर सावधान कर देते हैं।